मालिक आदेश मिलते ही दोनों लावा भेजन को जाने वाली और आपकी फंस गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़के इमरान ने मंत्री फवाद चौधरी कोर्ट के बाहर नवाज शरीफ को समर्थकों और वकीलों से लगा उनकी रचना करा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आज इमरान खान ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है। मामले में नवाज शरीफ ने कहा कि कोर्ट के फैसले ने पाकिस्तान की जनता को इमरान खान से मुक्ति दिलाई है और पाकिस्तान को तबाह करने वाले से आजादी दिलाई है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को फिर बाहर कर दिया है। कोर्ट ने संसद के डिप्टी स्पीकर के फैसले को पाकिस्तान के संविधान के खिलाफ बताया। 9 अप्रैल को फिर से असेंबली की बैठक बुलाने और अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग कराने के लिए कहा। श्रीलंका में हालात दिन ब दिन बदलने वाले समय में फैसले की इस तारीखी फैसले की गूंज आने वाले दिनों में भी सुनाई देगी। नव भारत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि पाकिस्तान को ऐसे शख्स से आजादी मिली जिसने मुल्क को तबाह कर दिया था। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहूंगा, बल्कि कहूंगा कौम पाकिस्तानी कौम आपको मुबारक हो, माशाल्लाह ऐसे शख्स से निजात मिली है जिसने पाकिस्तान को बिल्कुल मौसी तौर पर दबाव बर्बाद किया है, पाकिस्तान के आम आदमी को भूखा मार दिया है और पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल करके रख दिया है और पाकिस्तान को एक